पीपल एंड हिस्ट्री के लेटेस्ट बायोग्राफी अलर्ट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। ये दास्तां है एक ऐसी खूबसूरत अभिनेत्री की जिसने जमशेदपुर से मुंबई तक की छलांग लगाई और पहुंच गई अमेरिका, बन गई एक ग्रीन कार्ड होल्डर। नाम है जिनका तनुश्री दत्ता। तनुश्री दत्ता का जन्म हुआ मिस्टर और मिसेस तपन दत्ता के घर। इनके पिता LIC में कार्यरत थे। जन्म की तारीख 19 मार्च सन 1984। उस वक्त जमशेदपुर बिहार का हिस्सा था और जमशेदपुर में ही तनुश्री दत्ता का जन्म हुआ। तनुश्री दत्ता एक बंगाली परिवार से आती हैं। पढ़ाई लिखाई की DBMS इंग्लिश स्कूल जमशेदपुर से। अभी ग्रेजुएशन की तरफ ये बढ़ी ही थी कि मॉडलिंग और फिल्म एक्टिंग ने इन्हें अपनी तरफ आकर्षित किया। एक बहुत मशहूर म्यूजिक वीडियो में ये नजर आई थी। ब्लैक एंड व्हाइट गाना सैया दिल में आना रे, इसे रिमिक्स किया गया। इसका वीडियो बनाया गया और चार लड़कियों में से एक लड़की तनुश्री दत्ता थी। पढ़ाई के बीच में ही ये फेमिना मिस इंडिया यूनिवर्स का टाइटल जीत बैठी और फिर इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया मिस यूनिवर्स 2004 में। वहां पर भी तनुश्री ने अपने हुनर से बहुत नाम कमाया। ये टॉप 10 फाइनलिस्ट में से एक रहीं। और जैसा कि हमेशा होता है, वही हुआ तनुश्री दत्ता के साथ भी। ब्यूटी पेजेंट जीता ही था तो अगला कदम बॉलीवुड। फिल्म मिली चॉकलेट और आशिक बनाया आपने, इमरान हाशमी के साथ इनके बड़े ही हॉट सीन्स पसंद किए गए। फिल्म आशिक बनाया आपने के डायरेक्टर के साथ इनके रिश्तों की खबर भी बहुत उड़ी। पर धीरे धीरे ये फिल्मों से दूर होती गईं। ये अमेरिका चली गईं, वहां पर इन्होंने कोर्स भी किया। उसके बाद कुछ बड़ी अनोखी किताबें इन्होंने पढ़ी, पर अमेरिका में ही इन्होंने जो कमाई की थी सब उड़ा दी। उसके बाद यहाँ आई ईशा योगा सेंटर कोयम्बटोर में। हालांकि उससे पहले भी स्पिरिचुअलिटी की तरफ इनका रुख था, क्योंकि इन्होंने आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स भी ज्वाइन किया था। ये आश्रम में रहीं, लेकिन इन्हें लगा कि यदि निर्वाण प्राप्त करना है तो वो आश्रम में रह के नहीं हो सकता। एक बार इनका मन हुआ कि क्यों ना ये पहुंच जाएं मानसरोवर। इनके पिता ने 2 लाख रुपए देने से इनकार कर दिया। इनकी बहन, जो कि खुद बड़ी मशहूर एक्टर और मॉडल हैं, इशिता दत्ता ने इन्हें कहा कि क्यों पिताजी को परेशान करती हो। और उसके बाद तनुश्री दत्ता लद्दाख चली गई। वहां पर एक बौद्ध मेडिटेशन सेंटर का भी ये हिस्सा बनी। इन्होंने अपने बाल भी मुंडवा लिए थे। बाल छोटे तो नाई ने ही किए थे, पर जब ये घर आई तो इन्होंने अपनी बहन से कहा कि अब मुझे बिल्कुल गंजा कर दो। और इनकी बहन ने वो काम कर दिखाया और उसके बाद इनकी बॉल लुक बड़ी मशहूर हुई। सन 2018 में इन्होंने सन 2008 की कंट्रोवर्सी सामने रखी। ऐसी बातें कहीं कि पूरी मीडिया में सिर्फ तनुश्री दत्ता ही छा गईं। महान एक्टर नाना पाटेकर पे बड़े इल्जाम लगे। कुछ लोग तनुश्री दत्ता की सपोर्ट में बोलने लगे तो कुछ नाना पाटेकर की। गणेश आचार्य पर भी काफी संगीन इल्जाम लगे। इनकी बहन इशिता दत्ता फिल्मों में और सीरियल्स में काम करती हैं और इनके जीजा वत्सल शेठ भी फिल्मों का हिस्सा रहे। यकीनन तनुश्री दत्ता फिल्मों से कुछ वक्त के लिए दूर रहीं, लेकिन जब लौट कर आईं तो फिल्म इंडस्ट्री को पूरी तरह से हिला के रख दिया। महान प्रतिभाओं के जीवन के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करें पीपल एंड हिस्ट्री।